वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी बाबा और अम्मा गए हुए हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि वैसे तो उसको पैक रखना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक छेद हुआ है, इसमें से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता देख सके आप। दिख तो रहा है गाइस, दिख तो रहा है लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है। ऊपर से दिखा रहा हूँ, ऊपर से ज़्यादा दिख सकता है। ओ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो गाइस ये हमारे अंडे हैं, और ये जो पीछे कटोरी रखी हुई है ये हमारी पानी की कटोरी है, और ऊपर बल्ब भी लगा हुआ है। जो जैसे निकालता हूँ फ्राई पैन में, फ्राई पैन गंग गया, ये रहा, इसको धो देता हूँ पहले। मैंने एकदम अच्छे तरीके से धो दिया नूडल्स, और ये भाई का है जो भाई ने खा लिया है। अभी मैं जलाता हूँ चूल्हा। हाँ कहाँ जलता है, यहाँ पे आवाज़ आने लग गई है, अभी मैं जलाता हूँ। ओए कितनी देर जला, थोड़ा इसकी आँच स्लो कर देता हूँ, इतनी स्लो नहीं करनी। यह अभी पानी भी भरते हैं इसमें, नल खोल दूँ पहले। पानी बस इतना काफ़ी है, अब इसको खोलता हूँ। गाइस जब तक ये नूडल्स बन रहे हैं, जब तक मैं प्याली रेडी कर लेता हूँ। यह गई हमारी प्याली, और तब वो कहेंगे अरे कांटा नहीं मिल रहा। गाइस मैंने इस वाली बास्केट में फोक को बहुत ढूंढा, लेकिन फोक मिल नहीं रहा, तो मैं स्पून से खा लेता हूँ। स्पून को इधर रख देते हैं, इसको लेकर आते हैं, इसको नाल इधर ही रख देते हैं, और जाके फिर बैठ जाते हैं। अभी तो बन ही रहे, अभी जाके बैठ जाते हैं, आराम से मोबाइल चलाते हैं। जब तक अगर खोल के रख दिया तो चूहा वूआ ना कुछ गड़बड़ी ना कर दे। पापा ने बोला है बाहर नहीं जाना है, ताला लगा के गई हैं। ताला नहीं है गाइस, कुंडी लगी हुई है, ताला नहीं है, ताला नहीं है। अभी ऊपर चलते हैं, जब तक नूडल्स बन रहे हैं, देख कर आए तो बने नहीं बने। बन गए शायद ना भाई, भाई से पूछ कर आता हूँ। तो गाइस मुझे पता नहीं चल रहा था कि नूडल्स बने नहीं बने, लेकिन भाई को बनाने आते हैं तो भाई से पूछते हैं बने नहीं बने। भाई बन गया नूडल्स है? आज तो टेस्ट करो। आज इतने तो थोड़ी ना रखते हैं, अभी बने नहीं बने, नहीं बने, तुम बना लो भाई। पानी बहुत ज्यादा कर दिया, पानी छोड़ो तुम बना लो, जब तक मैं ऊपर चले आता हूँ। हाँ लेकिन वो बंद कर दिया क्या पंखा, और देख लेना बटेर में अंडा दिया, बटेर का अंडा देख लेना, अगर दोबारा से दिया हो तो हमारे लिए भी सरप्राइज है एक। अभी मैं ऊपर चलता हूँ भागता भागता। अरे हाय मैंने कुंडी खोल ली है, तो अभी मैं देख कर आता हूँ बटेर ने अंडे दिए नहीं दिए। खोल दिया, देखता हूँ मैं। गाइस बटेर ने तो अंडा नहीं दिया, अरे बंद करता हूँ। गाइस मैं गेट बंद कर दिया, यहाँ पे धूप बहुत हो रही है और हमारे चूजे भी। और गाइस एक बात बताऊँ, ये देखें जो मेरे पीछे तोता है ना रेड आइस, इसको वो वाले तोतों ने मारा है, वो वाले कंगा है, वो वाले तोतों ने जो ऊपर है ना, उन्होंने मारा है इस वाले को। दिखाता हूँ उसके पूरी चोंच फाड़ दी उन लोगों। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी नाक से खून निकल रहा है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मारा गया है इसको। देखें इसकी नाक पूरी फाड़ दी है, और छुट्टी दी है ट्यूशन की, ये देखिए पूरा ट्यूशन खाली पड़ा है, क्योंकि अम्मा को जाना था मोतन दास हमारे ईद के कपड़े लेने। नहीं तो मैं इतना खुश हूँ, बन गए अच्छा। तो गाइस अब वापस चलते हैं नीचे। मैंने ट्यूशन की कुंडी लगा दी है, यहाँ की भी लगा दी है। नूडल्स तो बन गए, नूडल्स बन गए, भाई ने निकाल के भी रख दिया है। मसाला डाल लेता हूँ मैं उसमें,
तो गाइस मसाला खुल चुका है, मैं इसको डाल देता हूँ नूडल्स में। भाई ने तो एकदम सूखे नूडल्स बनाए, एकदम पानी ही नहीं है नूडल्स में। इसको भी यहाँ रख देते हैं, इनका भी उठा के यहाँ रख देते हैं, इसको मिक्स करते हैं। तो गाइस नूडल्स तो रेडी हो गए हैं, मैं इसको रख के गाँव तक कैसे टिक के बैठ के अब खाता हूँ मैं नूडल्स। तो गाइस मैंने नूडल्स खा लिए हैं, इसको रख के आ जाता हूँ जल्दी 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 जल्दी। नूडल्स बहुत स्पाइसी थे इसलिए मुझे पानी भी पीना पड़ेगा। अरे पी लेता हूँ अब मैं पानी, मैंने पानी पी लिया, अब गिलास को उल्टा रख देता हूँ। तो गाइस अब मैं बोर हो रहा हूँ बैठे बैठे, मेरे पास कुछ करने को भी नहीं है सिवाय ये बटेर का इनक्यूबेटर देखे जा रहा हूँ मुझ से बार बार, देखना नहीं चाहिए, भाई को पता चल गया तो भाई मुझे बोलेगा। तो अभी गाइस वेलकम बैक, तो अभी देखे हैं कि चूल्हा नीचे गिरा हुआ है, ऊपर से छड़ियों से गिर गया, अभी मैं इसको लेके जाता हूँ, चल 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 बहुत जा रहा है। अभी हमें मिला टमाटर का पौधा, सही है टमाटर का पौधा खुद ही जा रहा है बंद। मैनू नहीं खोलेगा इसे, अभी लगाते हैं टमाटर का पौधा। मेरा टमाटर थोड़ा हो जाए ना तो फूल निकले, ये खराब है वाला पौधा। क्यों सूखा है? हाँ सूखा है, वो भी सूखा है। अच्छा नहीं सूखा है, पानी दो। हाँ पानी दे दे, अच्छा लग रहा है एलोवेरा के बराबर में टमाटर का। भाई अभी लेने जा रहा है पानी, धोने जा रहा नहीं पानी लेने जा रहा है, पानी पानी नहीं डालना है इसमें। हैं सच्ची में, सच्ची में बटेर ने अंडा दिया है दोबारा? कहाँ है? अबे ऐसा नहीं, टेक्निक दी है चेक करने के लिए। मुझे पता था, अबे मेरे को लगा वहाँ पर वो बड़ा होता है, झूठने वाला था, झूठने वाला टेक्निक दी आपकी चेक करने के। और उधर ना देख, अबे ये देख, ये रहा, ये देख इसको मारा है तोतों ने, वरना चली गई। तोतों ने इसको मारा है? तोतों ने इसको मारा है, पता नहीं क्यों मारा है। बाल्टी से कौन पानी देता है? भाई को पता होगा लबला बोल रहा। अबे डस्टबिन में डाल दे पौधे यार, पौधा लग जाएगा ये। अबे यार ये डस्टबिन में डाल दे, ये देख नया फूल निकल रहा है। ये कौन सा वाला? ये नया फूल है ये वाला। हाँ अब इसमें से ना वो निकलेगा टमाटर, कितना मजा आएगा। डाल दे इनको डस्टबिन में, क्या तू डालेगा। लो चलो झाड़ू वाले, झाड़ू वाले। और खुशखबरी मिल चुकी है हमारे पीछे बटन ने, एक और अंडा वाले ने अंडा दिया सर, निकाल के तो दिखा अंडा, दिखा अंडा हसन ने निकाल रहा है नीचे से। गाइस हम सामने बटेर ने एक और अंडा निकाला, बटेर ने निकाला, बटेर ने अंडा दिया आज। अभी हम इसको इंक्यूबेटर में जाके रख देंगे। हाँ और ये दिया है पिंजरे एकदम नीचे ने, हसन भाई अभी अम्मा का वेट कर रहा हूँ मैं, कब से 2:15 अम्मा बाबा निकले थे और अभी हो रहे हैं, नीचे आके देख कर आता हूँ मैं नीचे आते। अभी क्या टाइम हो रहा भाई, लाइट तो खोलो। तो गाइस अभी बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं और अभी तक अम्मा पापा नहीं आए, तो अभी मिलता हूँ अम्मा पापा के आने के बाद, क्योंकि हमारे तो कपड़े आने वाले हैं। तो हेलो गाइस अभी अम्मा पापा आ गए हैं और बाबा पीछे कपड़े समेट रहे हैं और बहुत सारे अम्मा पापा कपड़े लाए हमारे ईद के। शुरुआत करते हैं मंजीर से, अम्मा मंजीर कहाँ गई? मंजीर आ गई यहाँ पर, जो अम्मा लाई है बाबा के लिए, ये बाबा के पाँव में दर्द हो जाता है, और स्टेशनरी भी लाई है जिसमें पेंसिल है, ये रही बहुत सारी पेंसिल, और ये भी रही हमारी पेंसिल, और यहाँ पे हम लोग लाए आलू प्याज की टोकरी, और यहाँ पे हमारी बहुत सारी पेंटें भी हैं,
और ये अम्मा का सूट है मेरी नेकर है, और स्टेशनरी में हमारे कट मार्कर भी आए हुए हैं जो चार हैं, दो ब्लू और दो ब्लैक, और इंक भी है, और सारे कपड़े पूरा बाजार लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी एकदम खोए वाला मलाई वाला बाजार है। जैसा कि आपने देखा कि आज के व्लॉग में हमारे इतने कपड़े आए जो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता सही से, मैं बस ऐसी हल्की सी झलक दिखा दी है, मैं ईद वाले दिन पहनूंगा जिस दिन, उस दिन आपको दिखा दूंगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलता है अगले व्लॉग में, बाय।